और निकाल के दिखाइए, ये सब पॉलिश्ड है। तो लगभग 3-4 महीने पहले मैंने कैसे ऐसे कहीं भी खड़े होके एक प्लास्टिक के ग्लास में चने को डाल के उसमें पानी डाल के देखा तो पानी काफी पीला हो गया। तो मुझको लगा कि जो नेचुरल चना है उसमें इस तरीके से पीला रंग तो कभी नहीं आना चाहिए भिगोने में। तो मैं पूरे मतलब जहाँ भी गई पूरे लखनऊ में तो जहाँ जहाँ देखा तो उसको ऐसे मतलब नेकेड आई टेस्टिंग इस तरह से पानी डाल डाल के किया तो देखा सब जगह पीला ही रंग निकलता था। ऐसा मुझे 90% केसेस में मिला। फिर मैंने 4-5 जगह से रैंडमली चने उठाए और फिर लैब में रैंडम जाँच कराई अपनाए तो उसमें अरामाइन डाई मिली। तो जो अरामाइन डाई है दैट इज सिंथेटिक डाई विच इज़ कार्सिनोजेनिक एंड कॉज एनी टाइप ऑफ कैंसर इन ह्यूमन बॉडी। तो उस लिहाज से फिर मैंने ये पता किया कि एक्चुअली चने का जो बड़ा व्यापारी है वो कहाँ पर है। तो छोटे छोटे व्यापारियों से पता करते हुए जब यहाँ पर पहुँची तो आज सुबह मैंने फिर से यहाँ पर एक ग्राहक के रूप में आई और देखा कि दो तरह के चने हैं। दोनों तरह के चनों का मैंने एक ग्राहक के रूप में नमूना लिया, लैब में जाकर उसको खड़े होकर रैंडमली जाँच कराया। आफ्टर गेटिंग दैट बोथ द रोस्टेड ग्राम दे वेयर डाइड विद द अरामाइन डाई, तब फिर उसके बाद मैंने डिजिग्नेटेड ऑफिसर लखनऊ को खबर की और उसके बाद यहाँ पर कार्यवाही। चना एक्चुअली यहाँ पर जो व्यापारी है ये बता रहा है कि ये छत्तीसगढ़ से चना आता है जी। तो छत्तीसगढ़ में करीब ये बता रहे हैं कि 3-4 व्यापारियों से वहाँ पर चना लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ के जो हमारे मिनिस्ट्रियल अप्रोच से यहाँ के मतलब जो खाद्य अधिकारी हैं या हमारे विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं उनसे उनके उच्चाधिकारियों का करके वहाँ पर कार्यवाही कराने की प्रक्रिया की जाएगी ताकि ये क्योंकि पूरे मेरा ख्याल है कि पूरे यूपी में इस तरीके का चना लगभग 70% चना इसी प्रकार से अरामाइन डाई से भी रंगा हुआ है और जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इतना मतलब हम चना तो अपने फायदे के लिए खाते हैं और ये चना अगर हमारे लिए कार्सिनोजेनिक तरीके से हमारे सिस्टम में जा रहा है दैट्स वाई द पेशेंट फॉर द कैंसर आर वेरी मच इंक्रीजिंग।